वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ। वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो एंड अनदर शॉपिंग हॉल। और ये शॉपिंग हॉल होने वाला है वन ब्रांड मेकअप का, और ऐसे मेकअप प्रोडक्ट जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ही हाइप्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अच्छे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनको अराउंड 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इवन आप ये कह सकते हो कि 1 साल पहले से भी यूज़ कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट मैंने अभी रिसेंटली बाय किए हुए, कुछ मैं आपको पहले एक प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करी, वो खत्म भी होने वाले हैं, मैं फिर से इसको मतलब रीस्टॉक करती हूँ, तो वो सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ शेयर करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले जब मैं अपलोड करती हूँ। और आज का ये शॉपिंग हॉल वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और चलते हैं फिर आज का ये शॉपिंग हॉल वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट सारा हॉल है ये, और रिव्यू भी आप कह सकते हो अमेजोन पे अवेलेबल है, नायका पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, पर्पल पे अवेलेबल है, जहाँ से आप चाहो बाय कर सकते हो। मैंने कुछ नायका से बाय किए हैं, कुछ मैंने अमेजोन से बाय किए हुए हैं, बट आप मैंने कंप्लीट आपको दिखाना चाह रही थी कि पूरा प्रोडक्ट का हॉल, तो मैंने आप मिक्स मैच करके दिखाया है। आप नायका से और अमेजोन से कहीं से भी बाय कर सकते हो, मैंने भी दोनों जगह से ही बाय किया हुआ है। तो मैंने एक बॉक्स में रख लिया हुआ है, तो इस बॉक्स में सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं मेरे और कुछ मेरे पास हैं, और इस बॉक्स में सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं मेरे और कुछ मेरे पास हैं जो मैंने अब बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपके यहाँ शेयर करूंगी। सो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये कि स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। और गाइज, ये मेरे पास दो शेड में है और ये शेड मैंने बाय किया हल्का सा लाइटर। तो लाइटर इसलिए बाय किया है क्योंकि आप जब कंसील करते हो तो कंसील करने के लिए हमें हल्का सा अपने शेड का चाहिए होता है, बट अगर हम हाईलाइट करते हैं अपने फेस को हल्का सा, जहाँ जहाँ हमारे टी जोन एरिया है, ऐसे कुछ हाई पॉइंट्स हैं जिनको हमको हाईलाइट करना होता है, उसके लिए हम हल्का सा अपने से एक शेड लाइट लेते हैं। तो मैंने ये दो बाय किए हैं, आपको दूसरा भी दिखाती हूँ साथ ही में। सो गाइज, ये है दूसरा, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये है एज अ हाईलाइटर मैंने लिया है क्योंकि ये एक शेड लाइट है मेरे और मेरे स्किन टोन पर। तो आप ये देख सकते हो ये है लाइट वाला शेड और इसका शेड नंबर है मेरा 02 सैंड सेबल। तो ये है शेड नंबर इसका और अराउंड ये मुझे 240 रुपीस में मिल गया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अच्छा भी है, प्लस बहुत ही ज़्यादा आपके फेस का जो बेस होता है उसको इतने अच्छे सेट करता है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही स्टिकी नहीं है, बहुत ही केकी फिनिश नहीं देता आपके फेस पर, एकदम फ्लॉलेस बेस आपको प्रोवाइड करता है। और जो ये शेड मैंने बाय किया है ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसका शेड नंबर है 04 मीडियम बीच। तो ये है एकदम मेरे प्रॉपर शेड का जिससे मैं अपने फेस में जितने भी डार्क सर्कल्स हैं उसको हाइड करूँगी और उसके बाद मैं जब फाउंडेशन लगाने पर उसके बाद मैं उसको हाईलाइट करूंगी। तो हाईलाइट करने के लिए मैं ऊपर वाला शेड यूज करूंगी और नीचे वाले शेड से मैं अपने जितने भी डार्क सर्कल से उनको हाइड करूंगी। तो ये है मैं दोनों शेड्स और बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं कंसिस्टेंसी, आप ट्रस्ट करके इसको बाय कर सकते हो। मैं ये कहूंगी कि आप एक हाई एंड प्रोडक्ट अगर आप लेते हो कोई भी कंसीलर और अगर आप इसको उस पर टक्कर में दो तो ये टक्कर देता है गाइस, सच में। बहुत ही ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इसको भी यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे से ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। देन मैं सेकंड आपका शेयर करने जा रही हूँ एक ही बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट फ्रॉम द स्विस ब्यूटी ब्रांड जो कि है ये। तो ये है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है। तो आप इसको बेस की तरह यूज़ कर सकते हो, एज अ हाईलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें है हल्की सी हाईलाइटिंग, मतलब हल्का सा ग्लो प्रोवाइड करता है ये। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे मैंने लगाया है, हल्का सा येलो टोन पे है। इसमें दो शेड या तीन शेड्स आते हैं, पिंक शेड के लिए आता है और मीडियम शेड के लिए, मतलब हल्का सा येलो टोन में आता है। मैंने येलो टोन का बाय किया बिकॉज मेरी ब्यूटी स्किन टोन है। तो आप ये देख सकते हो मैंने अपने हैंड में लगाया है और आप शाइन देख सकते हो ये और इस हाथ में कितना डिफरेंस है। तो ये हल्का सा आपके फेस पे एक इल्यूमिनाइजेशन क्रिएट करता है जिससे कि आपके फेस पे जहाँ जहाँ भी आपने इसको लगाया है वहाँ पर हाईलाइटर आएगा, मतलब हाईलाइट्स आएंगी, शाइन प्रोवाइड करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपके फेस पे जब भी आप मेकअप करते हो ये लाइट पड़ती है आपके फेस पर, तो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है आपका वो पार्ट और बहुत ही अच्छे से शाइन प्रोवाइड करता है। वीडियोज़ वगैरह के लिए हम फोटो सेशन कराते हैं, फोटोशूट कराते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर अगर आप ग्लो टाइप का एक बेस लगाते हो तो आपके फेस पर अच्छे से एक ग्लो आता है, मैट फिनिश में नहीं रहता है, तो ये उसके लिए काम करता है। प्रोडक्ट्स की आपको प्राइस और फोटो प्रोवाइड कर दूंगी, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे प्राइसेस याद नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है मुझे इन चीज़ों से। देन मैंने स्विस ब्यूटी का बाय किया हुआ है वो है एक कलर करेक्टर पैलेट, और एक्चुअली मैं बाय करने जा रही थी स्विस ब्यूटी का ब्लश वाला पैलेट, बट वो कार्ड में डालते डालते कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यही है, मैंने वो डाल दिया और ऑर्डर कर दिया, फिर ये आ गया तो मैंने कहा यार रख लेते हैं क्या जा रहा है। तो ये है बाय किया है, उसका शेड नंबर मैं आपको बता दूँ, तो ये है शेड, क्या है इसका शेड, तो ये अल्ट्रा बेस पैलेट है और शेड नंबर है 1402
1402 शेड नंबर है, इसमें कई शेड्स भी अवेलेबल, 3 या 4 शेड्स में अवेलेबल होता है। ओके, 02 नंबर पे है ये, यस। तो ये है आता बहुत प्यारा सा, एक क्रीमी कंसिस्टेंसी बेस है ये। क्रीमी कंसिस्टेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं। ये आप कलर करेक्टर कर सकते हो, इससे आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, इन सबसे आप अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हो, बेस स्टिक ऑन कर सकते हो, कंसील कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपके बेस पैलेट है आपके लिए और बहुत ही अच्छे फेस पे आपको मैं कहूँगी कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मैं आपको स्वैच दिखाती हूँ। तो ये है ऑरेंज करेक्टर इसका, तो ये आपको दिखाती हूँ मैं ऑरेंज वाला। तो आप ये देख सकते हो, ये ऑरेंज करेक्टर है। अगर आप डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन आपके फेस पे हो तो वहाँ पे लगाओगे तो अच्छे से इवन आउट करेगा। और ब्रॉन्जिंग के लिए मैं बोलूँगी कि आप इस शेड्स अप्लाई कर सकते हो। मेरी वीडियो स्किन टोन है तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा कम काम करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन स्किन टोन है और मेरे सारे शेड जो हैं ये मेरे स्किन से ही मिलते जुलते हैं। तो मैं सिर्फ कंसीलर की तरह इसको यूज़ कर सकती हूँ और अपने इवन जो अनइवन स्किन है उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। बट मैं अगर बोलूँ कि मुझे ब्रॉन्जिंग करनी है या कंटूरिंग करनी है तो उसके लिए मेरा ये काम नहीं आएगा पैलेट, क्योंकि इसमें जितने भी डार्क शेड्स हैं तो वो मेरे कंसीलिंग में कम हेल्प करेंगे क्योंकि मेरे स्किन टोन का ही मैच है। बट इट्स ओके, मैंने ब्लश के लिए बाय किया था और कंसीलर पैलेट बाय कर लिया तो इसलिए कि ऐसा हो गया है, चलता है, काम क्या कर सकते हैं। देन मैंने बाय किया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग किट और ये है, एक्चुअली मैंने 2 या 3 बाय किए हैं, मैं आपको तीनों लाइन से दिखाती हूँ। तो उसके लिए भी एक ब्लेंडर हुआ है, मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। तो ये है पहला वाला, तो ये है इसका शेड है बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर लिखा है, इसमें ब्लशर और हाइलाइटर दोनों का काम करता है। शेड नंबर है 02, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी ना, अराउंड 340 या 350 रुपीज़ में ही है ये, 349 रुपीज़ में और 325-30 में ही मिल जाता है। तो ये है पैलेट, बहुत ही प्यारा सा पैलेट है ये और इसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, शिमरी शेड्स में है ये देखिए। और ये हल्का सा हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हो और ये आप ब्लशर की तरह यूज़ कर सकते हो। मैंने हाइलाइटिंग के लिए इसलिए इसको बाय नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लशिंग के लिए यूज़ करना था। मैं एक बार आपको अपने फेस पे भी लगा के दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये ब्लश प्रोवाइड कर रहा है। आप हल्का सा सिर्फ ऐसे लगाओगे ना तो ये देखो, मैंने ज़्यादा लगा लिया है लेकिन मैं इसको मर्ज कर ले रही हूँ। ये देखिए ब्लेंड करने के बाद कितने अच्छे से आ गया है और इसमें देखिए नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर लगाया और आप देखिए रिजल्ट, तो बहुत ही अच्छे से ये आपके फेस पे ब्लशिंग प्रोवाइड करता है। बहुत ही सॉफ्टनेस और पिंकी टाइप का ये पैलेट है। मैंने साथ में एक और इसका बाय किया हुआ है, वो एक्चुअली ये भी एक ब्लेंडर है, मैंने ये बाय नहीं किया था बट एक कार्ट में आ गया। तो ये है शेड नंबर इसका, मैं आपको बता दूँ शेड नंबर 03 है, ये आपको दिख रहा होगा। 03 भी बाय किया है मैंने और इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये इसमें हल्का सा आपको हाइलाइटिंग शेड मिल जाते हैं, देखिए जैसे ये वाला शेड है, इससे आप हाईलाइट कर सकते हो, लुक एट दिस। तो ये आपका हाइलाइटिंग टाइप का काम कर सकते हो, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, मैं नोज पर हाईलाइट करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हाईलाइटिंग का काम करता है और बहुत ही सॉफ्ट रिजल्ट भी देता है, बहुत ही स्मूथ है और बिल्कुल भी इसमें फाइन, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स है, कुछ भी हार्ड पार्टिकल्स नहीं है। देखिए कितने अच्छे शाइन, मतलब ये कर रहा है मेरे फेस पे। बाकी सारे आप ब्लशर की तरह यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो सारा एक साथ कर सकते हो, नहीं तो आप सारा अलग से भी कर सकते हो। लुक एट दिस, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटर है और मैं कहूँगी कि गो फॉर इट गाइस। और 340 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा सा छोटू सा और ट्रैवल फ्रेंडली पैलेट ब्लशर विथ हाइलाइटर नहीं मिलेगा। तो ये भी मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट था। देन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइनर और इसको मैं अराउंड 6 से 7 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा एक जेल पॉइंट वाला है ये, पेन टाइप का, मतलब लिक्विड वाला। मुझे ये वाले पसंद है, मुझे पेन वाले कम पसंद आते हैं, ऐसे लगा सकते हो। पिन पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत ही जेट ब्लैक है, एकदम मैट फिनिश देता है और ये चीज़ बहुत अच्छी फिनिशिंग के लिए बहुत ही प्यारा है। और इसका प्राइस भी अराउंड 250-260 रुपीज़ में ही था। मैं आपको सबके प्राइजेस और लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। तो ये भी बहुत ही अच्छी डील था, ये मैंने बाय किया हुआ था। साथ ही सेम मैंने इसका बाय किया है मस्कारा, तो ये है मस्कारा, सेम पैलेट का ही है, सेम डिज़ाइन भी है और इसका प्राइस है 229 रुपीज़ और आपको 210 में या 200 रुपीज़ में भी मिल जाएगा ये। तो ये भी बहुत ही अच्छा सा कलर प्रोवाइड करता है और आप इसको आराम से लगा सकते हो। लुक एट दिस, तो ये मैंने लगाया है और वैसे पे भी मैंने फॉल्सेस लगाई हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छे से आपके आईज का जो लैशेस होती है ना उसको अच्छे से एकदम मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज में टर्न कन्वर्ट कर देता है। इसकी बहुत ही कम, जैसे मेरी बहुत ही कम है तो मुझे लिफ्टेड आईलेस करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मस्कारा मुझे लगाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो 240-220 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा आपको मस्कारा मिल रहा है। देन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ये पैलेट है, ये पैलेट भी अराउंड मैं 4-5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इस पैलेट के कई शेड्स भी अवेलेबल हैं गाइज। और मेरा शेड है 07 नंबर का मैंने लिया है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें कई फंकी कलर्स भी अवेलेबल थे, कई शेड्स में अवेलेबल है। तो मेरा 07 है, तो 01, 02, 03, 04, 05 बहुत सारे कलर
कलर्स मिल जाएंगे। ये 9 कलर का पैलेट होता है, इसमें है मेरे पास ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, मरूनिश, ब्राउन और हल्का सा आई हाइलाइटिंग पीछे कलर भी है। तो बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, ब्लू कलर है, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन वाला शेड था, ये है ब्राउन शेड और ये है पिंक शेड। लुक एट दिस, ये है ब्लैक शिमर टोन में है और ये है ब्राउन्स जो होता है ब्रॉन्ज कलर का वो। तो लुक एट दिस गाइस, बहुत ही प्यारा पैलेट है और बहुत ही अच्छे से ये आपके आईज पे मतलब ब्लेंड होता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये भी मुझे अराउंड पड़ा था 229 रुपीज़ का है और सिर्फ मुझे लग रहा है 200 में या और उससे कम भी मुझे मिल गया होगा। सेल में मैंने बाय करते हो तो सेल में आपको कई प्रोडक्ट बहुत ही कम रेंज में मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ ऑफर होता है तो आपको कुछ फ्री भी मिल जाती है, कुछ चीज़ आपको कम रेंज में भी मिल जाती है। तो ये मैंने बाय किया, तो देन मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा पैलेट और ये आई शेडो पैलेट है और बहुत और अब मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा क्यूट सा आई शेडो, क्या बोल सकते हैं इसको, बॉक्स टाइप का ये पैलेट है ये। तो ये आई शेडो पैलेट मैंने बाय किया, इसका नंबर है 05 T Green, टी ग्रीन नाम का है और इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें साइड स्टिकर लगा है और गाइज इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 199 रुपीज़ का है और मुझे लग रहा है सिर्फ उसे मुझे ये 180 या 170 रुपीज़ में मिला था, लेकिन बस ये सिर्फ एक शेड है बट इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी से आई है, आप ये देख सकते हो। लुक एट द पैकेजिंग, बैक में आपको छोटा सा मिरर भी मिला है, वाओ सो क्यूट। ये ट्रेवल फ्रेंडली है बट सिंगल है तो सिंगल शेड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें है टी ग्रीन टाइप का शेड, बहुत ही शिमरी है, ये देखिए लुक एट दिस, है ना, बहुत ही प्यारा सा है। इसको आप एज अ स्मोकी कलर भी यूज़ कर सकते हो और एज अ आप मैं कहूँगी कि सिंपली अगर आप इसको सिर्फ लगा लोगे ना और आपकी आईज में हल्का सा ब्राउजिंग आ जाए, जैसे आप देख सकते हो मैंने लगाया हुआ है, आपको मेरे आईज में दिखा होगा, तो ये सिंपली अगर आप ऐसे ना मेकअप के बाद ऊपर से लगा लो तो बहुत ही प्यारा हाईलाइटिंग शाइन का काम करेगा। मैं शेयर करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो इनहेंसर पैलेट, तो ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट और उसको मुझे यूज़ करते हुए 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं, तो ये हल्का सा इसका नेम मिट गया है बट इट्स ओके। और ये शेड नंबर है मेरा 01, आपको दिख रहा होगा 01 शेड मैंने बाय किया है। तो ये इस तरह का, मैंने आपका शेड भी एक बार साथ किया हुआ था मुझे याद नहीं है, तो ये इस तरह का आता है और ये इस तरह का मिरर इसमें मिलता है, इसमें 1, 2, 3, 4 होता है शेड्स। तो ये ब्लैक शेड है, ये ब्राउन शेड है, ये हल्का सा ग्रे शेड में है, ये हल्का सा वैक्स है, जिससे कि आप अपने आईब्रो को स्पूली की हेल्प से कॉम्ब कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बाकी शेड से अपने आईब्रो को इन्हेंस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आईब्रोज कितनी अच्छे से लिफ्ट हो जाती हैं अगर आप आईब्रोज इन्हेंसर यूज़ कर सकते हो, ग्रो पाउडर यूज़ करते हो तो उससे आईब्रो बहुत अच्छे से शेप में आती हैं। पेंसिल भी बहुत अच्छी होती है जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपके आईब्रो इन्हेंस हो रही हो आप उसको यूज़ करो। और ये भी मुझे लग रहा है 249 रुपीज़ में, तो 200, 230, 220 ऐसे ही मिला होगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। सो गाइस नेक्स्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और मैं आपको दिखाती हूँ, दिख सकता है आपको नहीं दिखेगा बट मैंने मेकअप फिक्सर लगाया हुआ है, मैं आपको फेस पे दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत अच्छे से आपके मेकअप को बेस को सेट करता है, हमें मेकअप बेस कंप्लीट करने के बाद ही अपने फेस पर लगाना चाहिए, उसके बाद हमें ब्लशर है, हाइलाइटर है लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा बेस अच्छे से सेट रहे और बाकी जितने भी हाइलाइटिंग चीज़ें हम उसके ऊपर करें। और ये भी अराउंड मेरी ये दूसरी बॉटल है, इसका कैप भी मेरी बेटी ने कहीं गिरा दिया है, ये मेरी सेकंड बॉटल है और इसमें होता है आपका एलोवेरा विथ विटामिन ई है ये और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में बना हुआ है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये और इसका प्राइस है 249 रुपीज़ और शायद 240 मतलब ऐसे ही मिला है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 230 रुपीज़ में ही मिल गया होगा मुझे। देन मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ मेरे पास एक और पैलेट है और ये बहुत ही पुराना पैलेट है, अराउंड 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बट स्विस ब्यूटी ब्रांड मेकअप हम कर रहे थे रिव्यू तो मैंने कहा आपका ये भी शेयर करूँगी। तो ये है स्विस ब्यूटी का 12 अल्ट्रा प्रोसेस पैलेट और इसमें मिलते हैं आपको बहुत ही प्यारे शेड्स, तो ये इसमें मिलते हैं आपको शेड्स इतने सारे और आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शेड्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, पीच है, पिंक है, वाइट है, बहुत सारे शेड्स इसमें मिल रहे हैं और इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। लुक एट दिस, ये ग्रीन टोन है इसका और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लू टोन है इसका और मैं आपको ऑरेंज दिखाती हूँ, ये है ऑरेंज इसका। तो आप देख सकते हो मैं हल्का सा सिर्फ इसका पिगमेंट ले रही हूँ, उसका पिगमेंटेशन आप देख सकते हो कितना प्यारा है, ये है हल्का सा डार्क पिंक रेड टोन में आप बोल सकते हो, ये है ब्राउन टोन इसका। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही प्यारा पिगमेंटेशन मिलता है, ऊपर आपको ये प्यारा सा मिरर भी मिल जाता है, साथ में आपको ये ब्रश मिलता है तो आप इसके हेल्प से भी लगा सकते हो और इसका प्राइस भी मुझे लग रहा है 299 रुपीज़ में है गाइस और शायद 280-295 में ही मुझे मिला था। मैं आपका शेड करने जा रहा हूँ एक और स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक और इसका शेड है, शेड नंबर है, क्या है,
ओके इसमें शेड नंबर R1 लिखा है, R1 शेड की है, बट ये मेरे शेड है, मुझे अच्छी नहीं लगी और बहुत ही अलग सा कलर आया, मतलब ऑरेंजिश टाइप का न्यूड है और मैं हल्की सी डल स्किन टोन में, तो ये कलर नहीं अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो ये हल्का सा पिंक ऑरेंजिश टोन में आती है और रेंज 190 या 200 रुपीज़ में मिली थी, तो मुझे ये लगा कि 200 रुपीज़ में मुझे ये शेड अच्छा नहीं मिला, मैंने फिर और इसमें रिफंडेबल या रिटर्न कुछ नहीं होता है, तो ये हम बाय नहीं कुछ चेंज नहीं कर पाए, तो ये मेरे पास ऐसे रखे रहेगी। क्या शेयर करने जा रही हूँ स्वस्थ ब्यूटी का लास्ट प्रोडक्ट्स और वो है ह्यूज लिप लाइनर्स। और ये देखिए मैंने इतने सारे लिप लाइनर पूरा स्वस्थ ब्यूटी का शेड्स मैंने बाय किया है, सारे ही शेड मेरे पास जितने भी थे अराउंड मैं आपको बता दूँ, तो शेड नंबर है L11 सैंडी पिंक, शेड नंबर है इसका इसका शेड नंबर है L20 फायर ब्रेक रेड है, और शेड नंबर है और इसका है लॉन्ग लास्टिंग बेबी मैजेंटा, और स्विस ब्यूटी का शेड नंबर है कोरल पिंक L23, स्विस ब्यूटी का शेड नंबर है इंटेंस फूशिया L22, और ये है L21 एंजल पिंक, देन स्विस ब्यूटी का है वैम्पायर L18 एंड देन स्विस ब्यूटी का है प्लम L13। तो ये इतने सारे मैंने सारे लिप शेड्स इसके बाय कर लिए थे और बहुत ही अफोर्डेबल थे यार, अराउंड मुझे लग रहा है 70 या 65 रुपीज़ में एक पड़ा था मुझे, तो कुछ ऑफर भी चल रहा था उस टाइम पे कि बाय टू गेट फोर टाइप का मुझे लग रहा है, तभी मैंने अराउंड ये 8 to 9 बाय कर लिए हैं और बहुत टाइम से मेरे पास है, अराउंड मुझे लग रहा है 1 साल भी होने वाला होगा इनको, तो मैं बहुत टाइम से रखी हूँ, यूज़ कभी कभार हो पाता है और कभी कभार नहीं भी होता, बट ये ऐसे है कि आप इनको शार्प कर लो और यूज़ कर सकते हो जितने भी आपको फाइन बनाना है, जितना भी आपको अफोर्डेबल रेंज में कई शेड्स मिलना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से लिप को डिफाइन करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको जो लेआउट होता है ना आपके लिप्स का उसको बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर देते हैं। सो गाइज यही सर पर मैं आपके यहाँ शेयर करना चाह रही थी, होप आपको मेरा ये स्विस ब्यूटी वन ब्रांड का प्रोडक्ट रिव्यू प्लस डिफाइनिंग शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मैं इस तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोज लेके आती रहूंगी, आपको एंटरटेन करते रहूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।